आईआईटी दिल्ली ने तैयार की है कोरोना वायरस की जांच करने वाली किट। दावा किया है कि बेहद कम कीमत में उपलब्ध कराई जाएगी। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए एक किट तैयार की है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे इस किट का ट्रायल कर रहा है। किट तैयार करने वाली रिसर्च टीम का कहना है कि यह काफी कम कीमत में उपलब्ध होगी और हर आर्य वर्ग का इंसान किट को खरीद सकेगा। रिसर्च में टीम के प्रमुख प्रोफेसर विवेकानंद पेरुमल के मुताबिक, हमने कोरोना वायरस के अलग अलग सैंपल की तुलना की है। इस दौरान वायरस के अलग अलग हिस्सों के बारे में अहम जानकारी सामने आई है। नए वायरस के ऐसे अलग अलग हिस्से इंसान में पाए जाने वाले दूसरे कोरोना वायरस में नहीं देखे जाते हैं। यही खासियत नए कोरोना वायरस को जांच के दौरान पकड़ने में मदद करेगी। प्रोफेसर विवेकानंद पेरुमल के मुताबिक, पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से अप्रूवल मिलते ही किट देश के लिए मददगार साबित होगी। प्रोफेसर मनोज मेहनन कहते हैं कि कोरोना वायरस है या नहीं, नई किट से सटीक जानकारी मिलती है। किट को आईआईटी के कुसुम स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस ने तैयार किया है। इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक 21 मार्च को 16,911 सैंपल लिए गए थे, जिनसे 315 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जांच को लेकर शनिवार को केंद्र सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं। निर्देश के मुताबिक कोरोना की जांच के लिए निजी लैब 4,500 रुपए से अधिक नहीं चार्ज कर सकते। जैसे ही इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इसका टेस्ट मंजूर कर लेगी, इसे हम बड़े स्कूल पर ले जा सकते हैं। यह प्रोब फ्री तकनीक है, यानी इसमें वक्त भी कम लगेगा। इसके अलावा आईआईटी की केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की एक टीम ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की पैरामीटर पर अल्कोहल पर आधारित सैनिटाइजर तैयार किया है। यह सैनिटाइजर कोरोना वायरस को सरफेस या हाथ से हटाने के लिए बनाया गया है। इसमें एलोवेरा, आइसोप्रोपाइल, अल्कोहल 70% समेत 3 केमिकल हैं। डिपार्टमेंट हेड प्रोफेसर अनिल एलियास ने बताया कि अल्कोहल रब सैनिटाइजर जिसमें कम से कम 70% अल्कोहल हो, 30 सेकंड में 1 मिनट के बीच हाथों से माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म कर सकता है। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले यह जरूरी काम जरूर करें। दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी एक साथ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको सबसे पहले हमारा वीडियो मिल जाए।